सर गुड मॉर्निंग। अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वो बेसिकली एक रिजॉर्ट है, 3-स्टार रिजॉर्ट है। उसका नाम है द बाइक पर्ल अंजुना, अंजुना बीच के पास में है। आइए एक छोटा सा आपको मैं टूर दिखाता हूँ। सो ये है इसका एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आने के साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है वॉशरूम। वॉशरूम को आप देखिए, वॉशरूम तो ओवरऑल मुझे ठीक लगा, ठीक है ना। बड़ा ही मैं इसमें ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर इन्होंने नहाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी ये बेसिन हो गया, शीट वगैरह ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कबोर्ड का। जैसा 3-स्टार इन लोगों ने बोला है, यहाँ पे कबोर्ड 3-स्टार जैसा लग नहीं रहा। मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़ा ही, ये बहुत ही नॉर्मल लकड़ी का बना के दे दिया है, एकदम सिंपल सा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये तो नो है, एक रिजॉर्ट और 3-स्टार होटल के लिए नो ही रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक प्रोविज़न इन्होंने दिया हुआ है, टेबल एंड कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी टेबल आप कह सकते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। सो ये है कॉफ़ी बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं जो कॉफ़ी बना के आप पी सकते हो। चूँकि सुबह का टाइम था और हमने इसको पी कर एंजॉय किया, चीनी कम था, लिटरली चीनी कम था। और ये है इसका ओवरऑल रूम का लुक। यहाँ पे एक बड़ा सा बेड है जो कि डबल बेड है। चूँकि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ तो इसीलिए मैंने डबल बेड लिया हुआ है। और यहाँ पे बैक में बालकनी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बालकनी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एक टीवी है जो मेरे किसी काम का नहीं, जब मैं घर पे ही नहीं देखता हूँ तो होटल में कौन देखेगा। और यहाँ पे पीछे में एक एसी लगाया हुआ है। अगर मैं ओवरऑल रूम के लुक की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये सो रूम है। क्योंकि जो मैं 3-स्टार 4-स्टार होटल में रूम मैंने देखा हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग और इसका बेहतरीन इंटीरियर हो सकता था जो कि इन लोगों ने करवाया ही नहीं। सो इस इंटीरियर में मैं इसको 3-स्टार होटल में बहुत बेहतरीन होटल के तौर पे गिनती नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही बेहतरीन एम्बियंस है। आइए एक नज़र डालते हैं। ये है इसका बालकनी। यहाँ पर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये ना सब रूम में सेम टाइप का बालकनी आपको दिखेगा। बालकनी के अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक टेबल टेनिस दिया हुआ है, शायद ही कोई खेलता हो, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल का प्रोविज़न है जो कि अच्छा है। स्विमिंग पूल के लिए नहाने धोने के लिए यहाँ पे कुछ जुगाड़ दे दिया हुआ है। नहाने से पहले बातचीत कर लेना है क्या क्या रूल नियम बनाए हुए हैं। तो ये है इसका ओवरऑल लुक, द बाइक पर्ल अंजुना। ये है इस प्रॉपर्टी का ओवरऑल लुक। इस रिजॉर्ट या होटल आप जो भी कह लें, इसमें मैं 2 दिन रुकूंगा। 2 नाइट का इसमें हमने बुकिंग अपना किया हुआ है। और खाने का इसमें नहीं है, बेसिकली जो मेरा पैकेज था उसमें खाने का नहीं है, ब्रेकफास्ट का नहीं है। तो ये हम लोग तो बाहर ही करेंगे। सो चलते हैं फिर।